हेलो गाइस, वेलकम टू विजन थ्रू माय लेंसेस। चले आए हैं एक अमेजिंग ब्लॉग लेके, बहुत मज़ा आने वाला है, चलिए देखते रहिए। आज संडे है तो निकल पड़ा हूँ एक न्यू लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए। तो जिस जगह में हम लोग आज जा रहे हैं वो है बक्शनगर बुद्ध स्तूप। GPS लोकेशन में दिखा रहा है कि यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 37 किलोमीटर दूर है और हम लोग को 1 घंटा के आसपास लगने वाला है। तो मैं, मेरा दोस्त गौरव और ये अपूर्व तीनों मिलके प्लान किए, सार्डिनी प्लान बना तो एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए पूरा डिटेल्स देखते रहिए ताकि आप लोग को भी पूरा आइडिया मिले कैसे जा सकते हैं आप इजीली बिना कोई झंझट के। तो पूरा ब्लॉग देखते रहिए। ये मेरा दोस्त है अपूर्व। तो हम लोग डिस्कस करते करते जा रहे हैं कौन सा रोड पकड़ेंगे तो इजीली जा सकते हैं। तो ओवरऑल सेम ही डिस्टेंस रहेगा, चाहे आप जो भी शॉर्टकट पकड़े। आज हम लोग आए हैं बुद्ध स्तूपा देखने। तो लेकिन आए तो है, बट एक चीज़ बहुत ख़राब लगा कि मोबाइल से शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ उन लोग बोल रहा है कि कैमरा अलाउ नहीं है। जो उतना खास तो है कुछ नहीं है, बट मेरे को नहीं पता कि क्यों इन लोग इतना सिक्योरिटी इशू बना रहा है इन लोग, ताकि कैमरा अलाउड नहीं है। चलो चलो ऊपर ऊपर। तो हम आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं, आप लोग आइए। बहुत ही सुंदर जगह है। पता नहीं, मेरे को तो पहले ही पता नहीं था कि इतना सुंदर जगह भी है इधर, बट बहुत ही मस्त जगह है। नेचुरल ब्यूटी, आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे को मस्त लग रहा है, एकदम साइलेंट एंशियंट स्कल्पचर सब यहाँ पे है। मस्त जगह है। Be a part of your You are always welcome. Hello guys, this is our new explorer. बहुत अच्छा है प्लेस और वेदर भी बहुत अच्छा है। You can see so much good breeze of air. Natural beauty चार आसपास. What is breeze of air? Means the blow working. Wind में कोई air कोल्ड विंड। देखिए मैं ऊपर आ गया हूँ तो यहाँ से व्यू बहुत मस्त आ रहा है। सॉफ्ट ग्रास, आप लोग सो जाइए यहाँ पे खाना वाना लेके आके। मस्त है एकदम, जरूर आना चाहिए आप लोग को यहाँ। अगर आप त्रिपुरा से हैं तो आना ही चाहिए, अगर त्रिपुरा से बाहर है तो भी आना चाहिए। क्योंकि मैं इतना साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता इतना सुंदर जगह यहाँ पे है। एक्चुअली मेरे ख्याल से कैमरा नहीं करने देता तो जो ब्लॉग लोग बनाते हैं उन लोग को भी उतना नहीं ये है, तो इसलिए उन लोग भी इतना यूट्यूब वगैरह में शायद अवेलेबल ना हो। तो मैं तो कुछ मैनेज करके यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। तो ये कोई शायद मुस्लिम लोग का है कि पता नहीं। यहाँ पे सामने साइनबोर्ड कुछ मतलब एंशियंट मस्जिद टाइप का कुछ हमको दिखा बैनर, हम श्योर नहीं है, बट जाते वक्त मैं फिर से एक बार देख के आप लोग को कंफर्म करूँगा जी ये एक्चुअली पुराना किस चीज़ का मतलब रिमेनिंग है। तो उस पार्ट में जाएंगे। ये देखिए रोड है, रोड की इस पार एक पार्ट है, उस पार और एक पार्ट है। तो वहाँ पे शायद कुछ टाइल्स वगैरह उन लोग लगा रहा है, तो उन लोग पता नहीं है, देख लेते हैं, कुछ फोटो खींच लेते हैं। देखिए उन लोग फोटो सेशन में लगा है, हम भी जाते हैं उन लोग के पार्ट होने। मैं एक दो फोटो अटैच कर दिया हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सीनरी वगैरह पता चले। देखिए स्काई का कलर कितना मस्त है,
तो और मतलब आप लोग फोटोशूट के लिए भी इस जगह में आ सकते हैं, मस्त लोकेशन है। अभी अचानक थोड़ा बारिश पड़ रहा है तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, मेरा फ्रेंड लोग पेड़ के नीचे थोड़ा मतलब खड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा दूसरे साइड एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। देखिए इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर कुछ बैठने का कुर्सी वगैरह सीमेंट का बिठाएगा उन लोग, तो कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है ताकि टूरिस्ट लोग को अट्रैक्ट कर पाए। तो मेरा तो एक ही दुख है, कैमरा अलाउ नहीं हुआ। देखिए इस साइड भी मस्त हो रहा है, जो ग्रास के साथ जो ये जगह है ना वो बहुत ही सुंदर है, दिखने में अच्छा लग रहा है। ये बक्सनगर लोकेशन जो है सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम लोग को यहाँ आने में एक घंटा के आसपास ही लगा था, लेकिन एक चीज़ बोलना आप लोग को भूल गया हूँ मैं, बक्सनगर जैसे ही एंटर करता है तो 3-4 किलोमीटर के आसपास बहुत ही रोड का कंडीशन ख़राब है, तो आप लोग उस हिसाब से थोड़ा आइएगा। ये पुराना स्ट्रक्चर जो पूरा मतलब पक्का ईंट से बना है, मतलब बार्न ब्रिक से पूरा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा एरिया कवर किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत साल पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट आके यहाँ पे बोला है कुछ मतलब बुद्ध का स्टैचू वगैरह मिला है मिट्टी के नीचे से, तभी से ये बुद्ध टेंपल बोला जाता है। बोल रहा है कि कुछ मोनेस्ट्री होगा, एंशियंट मोनेस्ट्री का कुछ रिमेनिंग पार्ट है, मेरे को भी डिटेल्स पता नहीं, जो गार्ड ने बोला है उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेरा दोस्त लोग का फोटोग्राफी चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा इधर। मेरा दोस्त भी लाइव हो रहा है, लाइव फेसबुक, तो उसके साथ साथ आप लोग को दिखा रहा हूँ हेलमेट उगने वाला पेड़। देखिए पेड़ में हेलमेट उगा है, एक हेलमेट फल तोड़ लिया है और दूसरा पक्का एक फल पेड़ में है, वही दिखा रहा है मेरा दोस्त। वो अभी हम लोग नहीं तोड़ेंगे, जाते वक्त तोड़ लेंगे फल। वही बाहर जो साइन बोर्ड है उसी में लिखा था मस्जिद का कुछ, इस जगह में मस्जिद का कुछ लिखा था। व्यू नहीं थे, बट व्हाट यू डूइंग मैन, देखो उन्होंने चेहरा, फैमिली मैन। बहुत भयानक बारिश हुआ है, हम लोग पूरा भीग गए हैं, शर्ट वगैरह पूरा। हम लोग पेड़ के नीचे थे बट फिर भी कुछ मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो भी है इस जगह के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम पूरा कोशिश करूँगा कि मतलब आप लोग को आंसर देने के लिए जितना हो सके। ये जगह बहुत ही मस्त है फ़ोटोशूट के लिए, अमेजिंग है। मेरे को पता नहीं अभी तक, अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है प्री वेडिंग फ़ोटोशूट का, हर कोई करा रहा है, तो अगर कोई प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कराने वाला लोग को पता चला इस जगह के बारे में तो वायरल होने में कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हर कोई यही प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कराएगा, ऐसा मस्त जगह है यह। मतलब वीडियो में कितना पता चल रहा है मेरे को तो पता नहीं है, बट रियली ऑसम प्लेस टू क्लिक फ़ोटोज़। तो तकरीबन मैं पूरा व्यू आप लोग को दिखाई दिया हूँ, मैं पूरा पार्ट कवर करके अभी फाइनल जगह पे आ गया हूँ। तो यही है लास्ट पार्ट, बाप रे ऊपर तो फोटोशूट चल रहा है मेरा दोस्तों का, वाह वाह क्या हीरो पोज है अपूर्वा, और कैमरामैन है गौरव, मिस्टर गौरव,
चलो भाई सही है सही है। एक्चुअली कुछ बातें जो अभी उन लोग कह रहा है ये मेरे को म्यूट करना पड़ा क्योंकि ये सही नहीं है थोड़ा जनता जनार्दन के लिए। तो आप लोग देख के ही समझ सकते हैं कि इस टाइप का बातें हो रहा है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा मेरे को ये जगह घूम के, आप लोग भी जरूर आइएगा। प्रोफाइल फोटो मैट्रिमोनी सब डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। उठ जाओ भाई उठ जाओ पोज दो। दिल्ली चलो नेताजी। चलिए हो गया इसका ट्रिप बुद्ध स्तूप का। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी क्योंकि मेरा एक दोस्त का कुछ कॉल्स आ गया है, हम लोग को निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है देखना भी ख़त्म हो गया है। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से, यहाँ पे ज़रूर आइएगा, यहाँ पे ज़रूर आइएगा, मस्त जगह है। तो और मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी बोलिएगा कमेंट पे, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जिन लोग नहीं देखा वो भी उसका थोड़ा आइडिया मिल सके जो कैसे आना है बा ये जगह कैसा है त्रिपुरा का टूरिस्ट स्पॉट, और आ सके यहाँ पे। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि नया नया जगह आप लोग देख सके, देख सकते हैं इस ब्लॉग में। चलिए आज के लिए निकलते हैं हम। पता नहीं बहुत हवा चल रहा है, इतना हवा में आप लोग को मेरा वॉइस सुनाई देगा कि नहीं तो बताइएगा कमेंट में। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कुछ अमेजिंग ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, देखते रहिए विजन थ्रू माय लेंसेस। आज वेदर बाइक राइड और ट्रैवल के लिए मस्त वेदर है, और बारिश होने के बाद और भी थोड़ा मतलब कूल वेदर हो रहा है। देखिए आसमान का मतलब कैसा बादल सब है, मतलब सीनरी आप लोग देख के मतलब आइडिया लगा सकते हैं इतना मस्त वेदर है। मैं तो बोला था मेरे को थोड़ा चलाने के लिए देने के लिए, बट वीडियो कौन करेगा इसलिए मैं पीछे ही बैठ रहा हूँ। बाप रे बाप कितना हवा है, लग रहा है कि उड़ा के ले जाएगा, बहुत ही हवा है।